राजधानी में तेजी से पांव पसार रहे स्वाइन फ्लू पर आखिरकार जिला प्रशासन की नींद टूटी है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, एसडीएम और शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर स्वाइन फ्लू पर चर्चा की। चर्चा के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर फिलहाल रोक लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्या इस बात की है कि प्रदेश स्वास्थ्य महकमे के पास अपनी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है और दिल्ली भेजे जा रहे सैंपलों की रिपोर्ट देर से मिल रही है। साथ ही जिलाधिकारी ने निजी स्कूलों में सभाओं और बड़ी एक्टिविटी पर रोक लगाने के निर्देश दिए और जागरूकता पर अधिक जोर देने का भी निर्देश दिया गया है। स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य महकमा कितना सजग है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हरिद्वार जिले में स्वाइन फ्लू के सैंपलों की जांच के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। सैंपलों को जांच के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। स्वाइन फ्लू के इंतजामों को नाकाफी बताते हुए कांग्रेसी मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने मोदी सरकार से स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित करते हुए रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। उत्तराखंड में लगातार तेजी से बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर उधम सिंह नगर जिले का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है, जिसको लेकर विभाग ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए काशीपुर के सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड सहित अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि इस जानलेवा बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बाहर से आने वाले तमाम लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। देशभर में दहशत का पर्याय बन चुके स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए रुद्रपुर में भी स्वास्थ्य महकमा ने कमर कस ली है। उधम सिंह नगर के डीएम ने के जिला अस्पताल के निरीक्षण और अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताने के बाद सीएमओ ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और काशीपुर के एलडी भट्ट चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड बनाया। स्वाइन फ्लू के मद्देनजर अस्पतालों में सफाई व्यवस्था का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते सप्ताह काशीपुर के एक डॉक्टर की स्वाइन फ्लू के चलते दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वाइन फ्लू को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते सीएम हरीश रावत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपदों में स्वाइन फ्लू के संबंध में पूरी सतर्कता बरती जाए, अस्पतालों में दवाइयां का पूरा स्टॉक उपलब्ध रहे। अगर किसी जिले में दवा की कोई समस्या हो तो डीएम तत्काल प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाए कि स्वाइन फ्लू से घबराने की आवश्यकता नहीं। राजधानी में पैसिफिक बिल्डर पर कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। दरअसल बिल्डर ने मॉल के बाहर एक आईएएस की मदद से डिवाइडर बनवा रखे थे, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। लोगों ने कई बार डिवाइडर को हटाने की मांग भी की, लेकिन बिल्डर के दबाव के चलते कोई कदम नहीं उठाया गया। समाचार प्लस ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसको लेकर डीएम ने पुलिस से मामले की रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों की माने तो इस बार डिवाइडरों का हटना तय माना जा रहा है। डीएम ने इसके लिए संकेत भी दे दिए। उत्तराखंड के सियासी हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश और राज्यसभा सांसद मनोरमा शर्मा की मौत ने सरकार को बड़े झटके दिए, तो वहीं खाली हुए पदों के लिए मची गौतम गुप्ता ने भी सरकार को बेचैन कर दिया है। आरोप प्रत्यारोपों के तीर जमकर चल रहे हैं और सेटिंग गेटिंग का खेल शुरू हो गया है। उत्तराखंड कांग्रेस में विजय बघूणा के चलते कैसी उथल पुथल मची है, ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन शुक्रवार को ही विजय बघूणा और सीएम हरीश रावत की बैठक में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन दोनों ने इससे पहले अपनेपन पर बीजेपी चुटकी लेने से नहीं चुकी। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि दोनों की मुलाकात तो हुई लेकिन दिल नहीं मिले। पूर्व सीएम विजय बघूणा के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले किरण मंडल ने बघूणा के बारे में बोलने का कोई मौका अब वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते। किरण मंडल मीडिया के सामने पूर्व सीएम विजय बघूणा को खरी खोटी सुनाने से नहीं चुके। नैनीताल पहुंचे किरण मंडल ने विजय बघूणा पर एक बार फिर निशाना साधते हुए उन्हें जमकर कोसा। किरण मंडल ने कहा कि उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर सीएम बघूणा के लिए सीट छोड़ी थी, उन वादों को बघूणा ने पूरा नहीं किया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधायक सुबोध उनियाल को कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग की है। ऐसे में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा है कि हम हरक सिंह रावत की भावनाओं का सम्मान करते हैं। कहा कि हर कोई अपने दोस्त के लिए सोचता है और यदि हरक सिंह रावत सुबोध उनियाल के लिए कह रहे हैं तो दिल की बात जुबान पर आ गई है। वहीं विजय बघूणा ने साफ कहा कि हरक सिंह रावत की भावनाएं हैं जो उन्होंने रखी हैं, उनके अनुसार मैंने भी सोनिया गांधी से इस बाबत बात की। राजधानी देहरादून में नाबार्ड की तरफ से सहकारी समितियों के अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों को अधिक स्वायत्तता देने की बात कही। सीएम ने कहा कि सहकारी बैंकों पर सरकार का ज्यादा दखल नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी बैंकों के अध्यक्षों को तसले लेने का अधिकार दिया जाए।
त्रिनगरी हरिद्वार के कनखल इलाके में जगजीतपुर में स्कूल बस और स्कूटी की टक्कर में स्कूटी चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल स्कूटी पर सवार प्रियंक त्यागी किसी काम से जगजीतपुर गया था, तभी अचानक स्कूल बस और स्कूटी की टक्कर हो गई। रुड़की के जसोवाला गांव के जंगल में वन कर्मियों और वन तस्करों के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें वन तस्कर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी हालत नाजुक देखते हुए देहरादून उसे रेफर कर दिया गया। खबर के मुताबिक दो वन तस्कर सुबह अपनी बाइक पर सागौन की लकड़ी, कीमती लकड़ी जंगल से चुरा कर ले जा रहे थे, तभी चिल्लावाली रेंज की वन विभाग टीम वहां पहुंच गई। इस दौरान वन तस्करों और टीम के बीच फायरिंग हो गई। अल्मोड़ा में जल करों में बढ़ोतरी को लेकर लोगों में नाराजगी है, अब इसके विरोध में बीजेपी भी उतर आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया। राजधानी दून में इन दिनों आयकर विभाग खासा सक्रिय, आयकर विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के खाते खंगाले गए। औली में 3 दिवसीय औली स्कीइंग विंटर कार्निवल ओपन चैंपियनशिप का उद्घाटन बर्फबारी के बीच हुआ। उद्घाटन करना तो सीएम हरीश रावत को था, लेकिन खराब मौसम के चलते सीएम कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। निम्न नैनीताल ने नैनीताल में सस्ते गले की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी में वलीताल की एक दुकान में घोरी निमित्तताएं पाई गई। हल्द्वानी में एंटी माइनिंग विजिलेंस टीम ने क्रशरों पर छापेमारी की, कार्रवाई के बाद क्रशरों को सीज भी कर दिया गया। देहरादून के चर्चित तेल बिल घोटाले में काला टूर एंड ट्रेवल एजेंसी को नैनीताल हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई। कोर्ट ने काला टूर एंड ट्रेवल एजेंसी की मालकिन की गिरफ्तारी की वो फिलहाल रोक लगा दी है।